नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटर का चाट, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा बनाने में और किस तरह बनता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, हाफ के जी मटर लिए हैं। ये सूखा वाला मटर है जो मार्केट में मिलता है। इसके छोले बनते हैं, घुघनी बनते हैं, जो भी बोलिए। तो इसे रात भर के लिए पानी में रख दिए थे फूलने के लिए। तो यह अच्छी तरह जब फूल गया तो इसे पानी डालकर कुकर में 3 सीटी में इसको उबाल लिए हैं। तो ये उबल के पूरा एकदम सॉफ्ट उबालना है। देखिए उबल के एकदम इस तरह मैश हो जाए, इस तरह उबालना है। इससे भी ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 4 आलू लिए हैं जो कि मटर के साथ ही उबाल लिए थे। तो इसे भी इस तरह टुकड़ों में तोड़ के ले लेना है। ज़्यादा महीन मैश नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही मैश करेंगे आलू को। मसाले में हम यहाँ मीडियम साइज की चम्मच से, जो छोटे से बड़े चम्मच आते हैं उससे 1 चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं और छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार लिए हैं और गुलमरिच पाउडर छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच लिए हैं। जीरा पाउडर छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है और छोटे चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। और यहाँ पर तड़का देने के लिए थोड़ा सा गोटा जीरा लिए हुए हैं। और हम इसे सरसों तेल में बनाएंगे। देखिए आप चाहें तो जो तेल खाते हैं उसमें बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल ले लिए हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें जीरे का तड़का दे देंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इसको भी इस तरह बड़े टुकड़े में थोड़ा सा काटे हैं। और 1 टुकड़ा आदि और 1 लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं। और यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ता को काट के ले लिए हैं। तो अब जीरा भुन गया है तो इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज थोड़ा भुन जाए तो इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। और प्याज के साथ में टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे। अगर थोड़ा जल्दी गल जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, इससे प्याज और टमाटर जल्दी गल जाएंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही रखकर सभी मसाले को भूनेंगे। तो देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए हैं तो इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे और इसे अच्छी तरह चलाते हुए भून लेंगे। ये हम थोड़े से पानी डाल देंगे मसाले को भूनने के लिए। इसे अच्छी तरह चलाते हुए भून लेंगे और इसमें लहसुन आदि का पेस्ट भी डाल देंगे। में धनिया पत्ता भी डाल के भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। इसके ऊपर तेल देखिए कैसे छूट गए हैं। तो मसाले अब भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इसमें अब हम मटर को डाल देंगे। और साथ में आलू को भी डाल देंगे। देखिए मसाले में अच्छे से मटर और आलू को मिलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। जब मटर को इस तरह भूनेंगे तो इस तरह मिलाएंगे जिससे कि मटर थोड़ा और मुलायम हो जाए। अच्छी तरह मटर आलू को मसाले में भून लिए। तब इसमें जितना आपको पानी लगे उसके हिसाब से डालना है। पानी डालकर इसे अच्छे तरह मिलाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही ग्रेवी रखना है।
तभी चाट अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, हाफ लीटर से थोड़ा सा कम पानी डाले हैं हम। तो देखिए ढककर इसे अच्छी तरह पका लिए हैं। इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, बॉईल किया हुआ है तो यह जल्दी ही पक जाता है। ये चाट 6-7 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है अगर आप इसे उबालकर बनाते हैं तो। तो देखिए बनकर चाट तैयार हो गया। इसी तरह का ग्रेवी वाला बनाइएगा, गाढ़ा ग्रेवी है, पतला नहीं है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं, चाट बनकर तैयार हो गया और इसे सर्व करने के लिए चाट को तैयार कर लेते हैं। ये मटर आलू के चाट को प्लेट में निकाल लिए, अब इसे खाने के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा प्याज डाल देंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा हरे धनिया से इसको सजा देंगे और हरा मिर्च ऊपर से डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा दही डाल देंगे, फिर टमाटर सॉस डाल देंगे, ऊपर भुजिया डाल देंगे, देखिए ये भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च कुटा हुआ है, इसको डाल के खाइएगा चाट में, बहुत ही अच्छा लगता है चाट खाने में। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। तो देखिए आलू और मटर का चाट बनकर तैयार हो गया। जब भी आप चाट बनाएं तो उसमें 2-3 आलू मैश करके डाल दीजिएगा तो चाट मटर का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाट बनाते समय नमक हम कम डाले थे क्योंकि चाट में ऊपर से चाट मसाला जो डाल के खाते हैं उसमें भी नमक होता है। तो दोस्तों इस तरह चाट आप भी बनाकर खाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि चाट बनाने का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।